भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज इंग्लैंड गए तो उत्थे भारतीय भाईचारे खास करके पंजाबी भाईचारे के लोगों ने मोदी का भरवां विरोध किया। इंग्लैंड के सूबे स्कॉटलैंड ग्लासगो शहर अज जदों ही नरेंद्र मोदी पहुंचे तो विरोध शुरू हो गया। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर तो 12 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र की वातावरण संबंधी होने वाली 26वीं कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लिए ग्लासगो पुजे हुए हैं। ग्लासगो के गुरद्वारा गुरु ग्रंथ साहब सिंह सभा सेंट्रल गुरद्वारा साहब गुरु नानक सिख टेंपल ग्लासगो और स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स दीयां जथेबंदियां जिन्हां विच इंडियन वर्कर एसोसीएशन बर्मिंगम ते लंडन इंडियन वर्कर एसोसीएशन स्कॉटलैंड ते वेल्स कम्यूनिस्ट पार्टी स्कॉटलैंड सोशलिस्ट लेबर पार्टी स्कॉटलैंड शहीद भगत सिंह वैलफेयर सोसायटी लैस्टर को फार्मरज ग्रुप इंग्लैंड पंजाबी साहित सभा ग्लासगो गुरु रविदास कमेटी स्कॉटलैंड डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसायटी स्कॉटलैंड स्कॉटिश इंडियंस फॉर जस्टिस वाक फॉर इंडियन फार्मर स्कॉटलैंड आदि वालों किसान अंदोलन के समर्थन वाले बैनर झंडिया नाल ग्लासगो के दिल कहे जाने वाले शहर के सेंटर जॉर्ज स्क्वेयर विखे मोदी का सख्त विरोध किया। मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों जथेबंदियों के सीराजौल जसमीत बिंद्रा अमरजीत सिंह कार्डिफ सलविंदर सिंह ढिल्लों लुभाया सिंह महिमी अवैरल वस्ता किरणजीत कौर दलजीत दिलबर कीथ स्टारडन जिलियन ब्रैडफोर्ड सरबजीत कौर अवतार बासी मलकीत सिंह झिंगड़ लैस्टर जसविंदर कौर हरमन कौर दिलबाग सिंह संधु अजीत सिंह लंडन जसपाल सिंह खैरा अरजिंदर सिंह बैंस आदि बुलारियां ने संबोधन करते हुए कहा कि भाजपा की मोदी सरकार वालों एक पासे भारत में जल जंगल और जमीन कारपोरेट घराणियों के हवाले करके वातावरण तबाह किया जा रहा है, दूजे पासे विदेशों में जाके भारत की तरक्की दी गल्लां कीतियां जा रही ने। ऐसे सारे पूरे संसार विचों जिथे जिथे भी कंट्रियां विच सारे पंजाबी जिन्हें भी किसान फैमलियां नूं बिलोंग करते सारे इस प्रोटेस्ट लई खड़े आ। ऐसे सारे बैठे स्कॉटलैंड में आए आ मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाउण लई। मोदी तू ये ना समझी कि असी एक कमजोर कौम आ। असी कमजोर नहीं, साडी गिनती बेशक घट होवे पर साडे गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी सानू इन्नी बख्शिश आ। I recall that when I was doing my internship back in India in Punjab, I come from the state of Punjab. And what's happening back in India is what is boiling my blood here, just like as all of yours. So when I was doing my internship, I had a very young farmer, 34-year-old farmer, who came in and he had attempted a suicide by taking the insecticide, the pesticide. ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਗਲਾਸਗੋ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਾਸਗੋ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। स्कॉटलैंड तो भारतीय किसान मोर्चे के प्रतिनिधि हरदेव बैंस ने अपने दमदार भाषण में विस्तार नाल मोदी सरकार दीयां नीतियां दा पर्दाफाश करते हुए कहा कि देश भगत अते आजादी घुलाटिए दे वारस होण दे नाते असी भारत की अखंडता अते एकता बरकरार रखण दा प्रण करदे अते सरकार दीयां किसान अंदोलन नूं बदनाम करन दीयां कोचियां चालां नूं भी कदे कामयाब नहीं होण देंगे।